Good evening friends, my name is Pramod Rana and I welcome you in another video of your English teacher. In this video, I will tell you about visa applications. I'm specifically going to discuss about financial documents. कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए. सी नॉर्मली डिफरेंट कंट्रीज़ के आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक कॉमन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूँ. आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कीजिए, आपको उनकी प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी. आपको वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखने चाहिए इन एडवांस ताकि आप अपना टाइम सेव कर सको. सो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ कहाँ से सोर्स करने हैं और अपने प्रिपेयर करके रखने हैं अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन का मन बना चुके हैं तो. सो कीप वॉचिंग. सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके फीस और आपके फंड्स से रिलेटेड होते हैं. जब भी कोई आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो आपको एक फ़ीस पे करनी होती है अपनी ट्यूशन की, और इसके अलावा आपको एक फ़ंड शो करना होता है. मेनली ये दो एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ होता है, ट्यूशन फीस प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस. लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको फ़ंड शो करना पड़ता है या फिर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कनाडा में GIC होता है या फिर ऑस्ट्रेलिया में जैसे फ़ंड शो करने पड़ते हैं. तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें इकट्ठे करने पड़ते हैं. अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ट्यूशन फीस को खुद पे करने वाले हैं या फिर आप उसको एजुकेशन लोन के थ्रू पे करने वाले हैं. यहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंशिएट हो जाता है. अगर आप अपनी फ़ीस को खुद पे करने वाले हैं तो आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल्स, अपने अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी रखने होते हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ. सो मेनली मैं चर्चा करूँगा 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग योर वीज़ा एप्लीकेशंस. सो द नंबर 1 इज़ एजुकेशन लोन लेटर. अगर आप एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं, अगर आपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है तो मेक श्योर कि आपके पास उस एजुकेशन लोन का लोन लेटर होना चाहिए. लोन लेटर क्या होता है? लोन लेटर में बेसिकली एक ऑफर लेटर होता है बैंक का, जिसमें वो बताता है कि आपको कितनी अमाउंट का लोन वो सैंक्शन कर रहा है, ये वो किस खाते से सैंक्शन करेगा, किसके नाम पे ये लोन होगा, इस लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, इंटरेस्ट रेट क्या है, और ये लोन कब से शुरू होगा, और ये वो लोन किन किन शर्तों पर आपको पे कर रहा है. सो एजुकेशन लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एजुकेशन लोन लेटर आपकी फ़ाइल में लगाना बहुत ज़रूरी होता है. इससे आपकी फ़ाइल एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है. दूसरी थिंग, इस एजुकेशन लोन लेटर के साथ आप अपना डिसबर्समेंट लेटर भी जरूर लें. कई बार ऐसा होता है कि आप अपना सैंक्शन लेटर लेके शो कर देते हैं, लेकिन अब मोस्टली जो एम्बेसीज डिमांड करती हैं या यूनिवर्सिटीज़ अगर आपके फ़ंड की इवेल्यूएशन कर रही हैं तो वो डिमांड करती हैं कि आपका डिसबर्समेंट लेटर जो है वो साथ में अटैच होना चाहिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो अबाउट योर एजुकेशन लोन, एंड यू मस्ट हैव द एजुकेशन लोन लेटर. द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट योर अकाउंट वेयर यू आर शोइंग योर फंड्स. अगर आप फंड शो कर रहे हैं तो आपको अपने बैलेंस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मतलब आपका कोई अकाउंट है जिसमें आपका बैलेंस है जो आप शो कर रहे हो अपने लिविंग एक्सपेंस की बिहाफ पे एज ए फंड. तो वो फंड अगर आप शो कर रहे हो तो आपको उसका बैलेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. आप बैंक में जाएंगे, मैनेजर से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको बैलेंस सर्टिफिकेट बना के देता है. बैलेंस सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्टाम्प होती है और सिग्नेचर होते हैं बैंक मैनेजर के, जिसमें लिखा होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस आपने कितने टाइम से मेंटेन किया हुआ है. इसके साथ इसको सपोर्ट करने के लिए आप सेम अकाउंट की बैलेंस स्टेटमेंट भी लगाते हो. तो बैलेंस स्टेटमेंट 3 to 6 months की आपकी बैलेंस स्टेटमेंट होनी चाहिए, जितना पुराना आपको फंड शो करना है उसके हिसाब से, और साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट. द थर्ड थिंग इज अबाउट योर करंट एसेट्स. बैलेंस सर्टिफिकेट में आपका बैलेंस शो होता है जो आपका लिक्विड बैलेंस है. इसके अलावा जो आपके अनदर मॉनेटरी एसेट्स हैं वो आप शो कर सकते हैं, जैसे कि आपके फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं. अगर आपके फिक्स डिपॉजिट है तो आपको एक FD सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है FD ओपन करने के टाइम पे, आप वो शो कर सकते हो. उसके साथ आप बैंक की स्टेटमेंट भी लगा सकते हो जो मैनेजर के द्वारा एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है कि आपका ये जो FD है कितने समय से आपका ये FD चल रहा है और इसकी जो है वैलिडिटी कब तक है. सो FDs आप अपनी शो कर सकते हो. अगर इसके अलावा करंट का कोई भी एसेट आपके पास है, आपकी कोई ज़मीन एक्वायर हुई, आपने कोई प्रॉपर्टी सोल्ड की है और आपके पास करंट में कोई मनी आई है, हालांकि आपको एक ओल्ड मनी दिखाना होता है. जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो 3 months ओल्ड आपको अपनी मनी दिखानी होती है, लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड की है या कोई एसेट सोल्ड किया है और उससे कोई करंट मनी आपको आई है इनकम के तौर पे, तो वो भी आप उसको शो कर सकते हो और उसकी प्रॉपर एक सेल डीड या एक सेल फॉर्मेट जो आपके पास उसका बैलेंस हो वो आप शो कर सकते हैं. साथ में प्रूफ दिखा सकते हैं कि कौन से अकाउंट में ये आपका पैसा आया है उसकी स्टेटमेंट के साथ.
द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर योर फंड्स. जो आपके पास आपने फंड आपने शो किए हैं जिन चीज़ों की मैंने अभी चर्चा की, इन फंड्स का सोर्स दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है. हालांकि कुछ हाई कमीशन या यूनिवर्सिटीज़ इसकी डिमांड नहीं करती हैं, जैसे यूके में अभी तक सोर्स ऑफ फंड्स मैंडेटरी नहीं था, मे बी आगे हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सोर्स ऑफ फंड शो करना बहुत ही मैंडेटरी होता है. कनाडा में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. अगर आप नॉन एसडीएस एप्लीकेशन में अपना फंड शो कर रहे हैं तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स शो करना पड़ता है कि वो फंड आपके पास कहाँ से रिसीव हुआ. जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि आपने कोई चीज़ सेल की है, कोई एसेट सेल किया है, तो उसकी सेल डीड आप उसके साथ दिखा सकते हैं. अगर आपके पास वो आपके स्पॉन्सर के फंड है तो उन स्पॉन्सर के वो फंड कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सोर्स उनका कहाँ है, तो वो चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं. स्पॉन्सर के जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होते हैं, आपका कोई भी स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर क्या होता है कि जो आपको स्टडी के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, दैट सिंपल. अगर आपके पेरेंट्स आपको स्टडी के लिए भेज रहे हैं और वो आपका फंड शो करें तो इट मीन्स आपके पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर हैं. आपका ब्रदर सिस्टर हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया में आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं कि ब्लड, आपके जो ब्लड रिलेशन में लोग हैं वो आपका फंड शो कर सकते हैं, आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं. तो इन स्पॉन्सर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स भी शो करने पड़ते हैं. वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं हमने एक पूरी वीडियो में वो पूरी तरह से डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको स्पॉन्सर्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज उसमें पता चल जाएगा. नाउ द लास्ट अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप. जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या फिर वो आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कोर्ट से, जिसमें वो लिखते हैं अपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, और वहाँ पे एक तरह से अपनी स्टेटमेंट डालते हैं कि वो आपको इस पर्टिकुलर कंट्री में स्टडी के लिए स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, उनके पास इतना फंड और बैलेंस है जो वो आपके लिए डेडिकेटेड रूप से उस फंड्स को जो मेंटेन करके रखे हुए हैं. सो ये एक एफिडेविट होता है जो आपको कोर्ट से बनवा के देना पड़ता है. सो दीज वर द फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड फॉर योर वीजा एप्लीकेशंस. एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर कम रह जाता है तो देयर इज अ चांस दैट योर वीजा एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड. So be cautious about it, be aware about it. In case you have any visa query, then write us below in the comments. If you like our video, then share it with our friends. अभी इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है. एक दूसरी वीडियो जिसमें हमने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. Have a nice day and keep learning.